देश का नाम रोशन किया। 94 साल की खिलाड़ी भगवानी देवी ने दौड़ में जीता गोल्ड मेडल। देश भर से बधाइयों का लगा तांता। दादी ने पोते का सपना पूरा किया, अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल लाकर। दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाली भगवानी देवी ने 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने ये पदक फिनलैंड में वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में जीता है। उन्होंने सीनियर सिटीजन कैटेगरी में 24.74 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी कर ली। इसके साथ ही भगवानी देवी ने शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया है। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती है। 94 साल की भगवानी देवी डागर ने कुछ ऐसा ही साबित करके दिखाया है। जिंदगी के जिस पड़ाव पर आमतौर पर लोग ठीक से चल फिर भी नहीं पाते हैं, भगवानी ने उस उम्र में विदेशों में भारत का डंका बजाया है। दिल्ली के नजफगढ़ की रहने वाली भगवानी देवी 94 साल की उम्र में वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीतकर दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। दिल्ली के नजफगढ़ गणपति इंक्लेव में रहने वाली 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने अपने इस उम्र में वह कर दिखाया है जो करने के लिए अच्छे अच्छे खिलाड़ी सपना देखते हैं। उम्र के इस पड़ाव में भगवानी देवी ने फिनलैंड में हुए वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप में भारत का नाम रोशन करते हुए 1 स्वर्ण पदक व 2 कांस्य पदक पर अपनी जीत हासिल की है, जहां उनके जज्बे को देखकर हर कोई दंग है। भगवानी देवी डागर मूलतः नजफगढ़ के मलिकपुर गाँव की रहने वाली है, जहां 29 वर्ष की उम्र में उनके पति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद घर और बच्चों का जिम्मा उन्हीं पर आ गया और भगवानी देवी डागर का खेलना और एथलीट बनने का सपना खो गया। लेकिन भगवानी देवी डागर ने उस सपने को अपने बच्चों और पोते पोतियों में देखा, जिसके चलते उनका पोता विकास डागर अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट बना। जहां कुछ महीने पहले एक दिन शाम को विकास ने लोहे की गेंद शॉटपुट अपनी दादी भगवानी देवी के हाथ में थमा दी और कहा कि दादी देखो इतना वजन है, जिसे देखकर दादी ने उस गेंद को उछाल दिया, जिसे देखकर विकास ने उन्हें खेलने के लिए कहा और अगले दिन से ही भगवानी देवी अपने पोते विकास के सानिध्य में खेलना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कई मेडल हासिल किए, लेकिन अब बारी थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की, जहां फिनलैंड में हुए अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड मास्टर चैंपियन ने कई देशों से आई हुई महिलाओं को पराजित कर जीत हासिल की। भगवानी देवी बताती है कि वे कबड्डी खेला करती थी, उस समय का जज्बा हिम्मत आज भी उनमें कायम है, जिसके चलते उन्होंने ये जीत हासिल की है। वहीं भगवानी देवी के पोते विकास का कहना है कि वे अपनी दादी के लिए आगे की तैयारी कर रहे हैं, जहां आने वाले समय में पोलैंड में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियनशिप में 95 से 100 साल की उम्र की कैटेगरी में उन्हें खिलाएंगे और एक बार फिर जीत हासिल करेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।